हेलो दोस्तों, बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार के तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है उसे देखेंगे। तो फटाफट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। आज की पहली खबर में देखिए बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी। तेजस्वी यादव बोले, पुलिस में होगी बम्पर भर्ती। जी हां, बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। पुलिस विभाग में आने वाले दिनों में बम्पर भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शनिवार को हुई कानून व्यवस्था समीक्षा बैठक के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने यह बात कही है। तेजस्वी ने कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य समेत अन्य विभागों के बाद अब पुलिस विभाग में भी नौकरियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा कि बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी है, अन्य विभागों के बाद अब पुलिस विभाग में भी भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी। बड़ी खबर देखिए सीएम नीतीश की लॉ एंड ऑर्डर पर बैठक। 60% से अधिक हत्या का कारण भूमि विवाद, कहा बड़ी घटनाओं की कार्रवाई सोशल मीडिया पर दे। जी हां, बिहार में अपराध की बढ़ती घटनाओं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधि व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में शनिवार को भी इस बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने एडीजी को निर्देश दिया है कि गंभीर आपराधिक घटनाओं पर हुई कार्रवाई की जानकारी सोशल मीडिया पर भी दे, साथ ही लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट के काम को भी तेजी से निपटाने का निर्देश दिया है। यही नहीं, उन्होंने पुलिस बल की संख्या को भी बढ़ाने का निर्देश दिया है। बैठक में सीएम नीतीश ने कहा कि अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही न बरते, गंभीर आपराधिक घटनाओं पर की गई कार्रवाई के संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय प्रेस को प्रतिदिन अवगत कराए। सोशल मीडिया पर भी इसके संबंध में जानकारी दी। घटना की पूरी जानकारी, उस पर की जा रही कार्रवाई, घटना के विभिन्न पहलुओं के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दे ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके। बड़ी खबर, राज्य के 26 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान, 2 दिनों तक सक्रिय रहेगा मानसून। जी हां, बिहार में अगले 2 दिनों तक राजधानी पटना समेत 26 जिलों में बारिश के आसार है। इस अवधि में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ वज्रपात और मेघ गर्जन का भी पूर्वानुमान लगाया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के ताजा रिपोर्ट के अनुसार अगले 2 दिनों तक राज्य में मानसून सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, लखीसराय, बेगूसराय, जहानाबाद, बक्सर, नालंदा, गया, पटना, औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर, रोहतास, वैशाली, भभुआ, शिवहर, समस्तीपुर, दरभंगा जिलों में बारिश होगी। वहीं बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर वज्रपात की संभावना भी जताई गई है। बड़ी खबर देखिए बिहार में कानून व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार का बड़ा फैसला। राज्य के 11 जिलों में ग्रामीण एसपी की होगी तैनाती। जी हां, बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए महागठबंधन के नई सरकार ने बड़ा फैसला किया है। नीतीश और तेजस्वी की सरकार अवधि 11 जिलों में ग्रामीण एसपी तैनाती करेगी। फिलहाल केवल पटना जिले में ही ग्रामीण एसपी का पद, लेकिन सरकार ने फैसला किया है कि अब राज्य के 11 जिलों में एसपी ग्रामीण का पद होगा और अपर पुलिस अधीक्षक के 8 पद भी क्रिएट किए गए हैं। आपकी जानकारी के बता दें कि पटना जिले के अलावा गया, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, सारण, रोहतास, सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, भागलपुर, बेगूसराय और मुंगेर में ग्रामीण एसपी का पद होगा। यहां तैनात होने वाले अधिकारी बिहार प्रशासनिक सेवा के स्टाफ अफसर रैंक के अधिकारी होंगे। बड़ी खबर में देखिए बिहार बीएसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय सिजिल की तिथि हुई जारी। 26 और 27 नवंबर को होगी पीटी, 3 किताबें ले जा सकेंगे। जी हां, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी गई है। बता दें कि बीएसएससी सिजिल प्रीलिम्स परीक्षा 26 और 27 नवंबर 2022 को आयोजित की जाएगी। वहीं इस परीक्षा का रिजल्ट जनवरी 2023 के आखिर में जारी किया जा सकता है। प्रीलिम्स में सफल कैंडिडेट फरवरी 2023 से मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि बीएसएससी सीजीएल के तहत इस बार कुल 2187 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें 885 पद अनारक्षित, 201 EWS, 283 पद बीसी, 439 पद EBC, 59 पद महिला, 335 पद SC और 5 पद ST वर्ग के लिए आरक्षित है। इस परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया अप्रैल में शुरू हुई थी। साथ ही साथ आपको बता दें कि पीटी की परीक्षा में अभ्यर्थी सामान्य धन, सामान्य विज्ञान और गणित विषय के एक एक टेक्स्ट बुक ले जा सकेंगे। यह परीक्षा 150 अंकों की होगी। इसके लिए उम्मीदवार को कुल 2 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। बड़ी खबर में देखिए बीपीएससी की परीक्षा में एक कैमरे में बैठे 28 अभ्यर्थी में से 24 हुए पास, कोर्ट ने मांगा जवाब। जी हां, मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर की परीक्षा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एग्जाम के एक सेंटर पर
28 महिला अभ्यर्थियों को बैठा गया था, जिसमें 24 अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास कर ली है। ये मामला कहीं न कहीं हैरान करने वाला जरूर है। अब इसको लेकर निगरानी जांच के लिए दायर लोकहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। 2 हफ्ते के अंदर ही आयोग को जवाब देना होगा। आपको बता दें कि इस मामले पर 9 अगस्त को अभियावेदन दिए गए थे, जिस पर राज्य सरकार, बीपीएससी, विजिलेंस और आर्थिक अपराध इकाई ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये परीक्षा विज्ञापन संख्या 620 के तहत ली गई थी, जिसे अब रद्द कराने की मांग शुरू हो गई है। बड़ी खबर में देखिए, यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। 2024 चुनाव को लेकर सपा ने नीतीश कुमार के समर्थन में जारी किया पोस्टर। जहां बिहार के सीएम नीतीश कुमार के विपक्ष को एकजुट करने का अभियान अपनी मंजिल की ओर खिसकता दिख रहा है। दरअसल यूपी में शनिवार को एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो इस बात पर मुहर भी लगा रही है। समाजवादी पार्टी ने नीतीश कुमार और अखिलेश यादव के साथ एक पोस्टर जारी किया है। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने लखनऊ में पार्टी के मुख्यालय के बाहर बोर्ड लगवाए हैं, जिसमें अखिलेश यादव और नीतीश कुमार के तस्वीरों के साथ लिखा है, यूपी प्लस बिहार गया मोदी सरकार। दरअसल हाल ही में नीतीश कुमार और अखिलेश यादव के दिल्ली में मुलाकात हुई थी, जिसके बाद में यह समीकरण तेज हो गए कि नीतीश कुमार को विपक्ष का चेहरा बनाने को लेकर अखिलेश यादव ने भी अपनी रजामंदी दे दी है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में झाड़ू लेकर विरोध कर रही महिलाएं, नीतीश सरकार का निर्णय लोगों को गुजर रहा है नागवार। जहां बिजली का स्मार्ट मीटर लगाना बिहार के लोगों को नापसंद गुजर रहा है। नतीजा यह है कि ना सिर्फ इसका व्यापक स्तर पर विरोध हो रहा, बल्कि कहीं तो विद्युत कर्मियों को भारी गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में एक मामले में विद्युत कर्मियों को लोगों ने झाड़ू मार कर भगा दिया है। यह अजीबो गरीबो वाक्य हुआ है पटना में, जहाँ विद्युत कर्मियों को स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध कर रही महिलाओं ने झाड़ू लेकर खदेड़ दिया है। पटना के विक्रम थाना क्षेत्र के इमाम बाड़ा के पास यह घटना हुई है। विद्युत कर्मियों का दल जब स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचा तो उपभोक्ताओं और विद्युत कर्मियों में तीखी नोकझोंक हुई। बाद में विरोध कर रही महिलाओं ने गुस्से में झाड़ू निकाल लिया। उन्होंने झाड़ू लहराते हुए विद्युत कर्मियों को विरोध शुरू कर दिया। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि विद्युत कर्मियों को वहां से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। दरअसल महिलाओं और विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर में कई प्रकार की खामियां हैं, जिनका बिल पुराने मीटर में 1000 रुपये आता है, उनका बिल नए मीटर में 200 से 300 रुपये बढ़ जाता है। इससे आम लोगों को सुविधा के बदले असुविधा होने लगती है। पूरे बिहार में यह हो रहा है। इसी को लेकर लोगों ने भारी विरोध शुरू कर दिया है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में नहीं चलेगी हिंदू मुसलमान की राजनीति। अमित शाह के दौरे के पहले तेजस्वी ने दिखाया भाजपा को आईना। जहां उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का असर राज्य पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। बिहार में अब हिंदू मुसलमान करके वहां राजनीति नहीं कर पाएंगे। बिहार समाजवादियों की धरती है, ऐसे लोगों को बिहार नकारती रही है और आगे भी नकारती रहेगी। दिल्ली में मीडिया से विशेष बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में शाह का कोई असर नहीं होने वाला है। अपने दिल्ली दौरे को लेकर तेजस्वी ने कहा कि हमारे इस दिल्ली दौरे में विपक्षी नेताओं से मुलाकात करने का कोई कार्यक्रम नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर बीजेपी के सवाल उठाने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अब तो मुझे बीजेपी के सवाल का जवाब देने का भी मन नहीं करता है, उनके सवाल में कुछ रहता ही नहीं है, बिना हाथ पांव के ही सवाल पूछते हैं। बड़ी खबर में देखिए, ऑनलाइन डिस्टेंस डिग्री भी रेगुलर डिग्री के बराबर। बिहार में सिर्फ नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी को डिस्टेंस एजुकेशन की अनुमति। जी हाँ, बिहार में ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग डिग्री के लिए एडमिशन लेने वालों के लिए खुशखबरी है। दरअसल विश्वविद्यालय आयोग ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि अब मान्यता प्राप्त संस्थानों से हासिल की गई डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की डिग्री को भी पारंपरिक शिक्षा डिग्री के समान माना जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, बीपीएससी ने निकाले 208 पदों पर वैकेंसी। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर निकली वैकेंसी, आज से करे अप्लाई। जहां बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 208 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए होगी। बता दें कि इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 सितंबर से शुरू हो गई है। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 सितंबर 2022 से निर्धारित की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.nic.in पर जाकर आवेदन की प्रक्रिया को समय से पहले पूरा कर ले।
बड़ी खबर में देखिए, बिहार में नगर निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान, 10 और 20 अक्टूबर को दो चरण का मतदान, तीसरे डेट बाद में। यह राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकायों में आम चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। दो चरणों में 224 नगर निकायों में आम चुनाव होगा। पहले चरण के लिए 10 अक्टूबर को वोटिंग होगी और मतगणना 12 अक्टूबर को होगी। वहीं दूसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर को वोट पड़ेंगे और काउंटिंग 22 अक्टूबर को होगी। आपके जानकारी के लिए बता दें कि पटना समेत बिहार के सभी 19 नगर निकायों को मेयर व उपमेयर के पदों का आरक्षण राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कर दिया गया है। आयोग की अधिसूचना के अनुसार पटना में मेयर पद पर अनारक्षित महिला एवं उपमेयर पद पर पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं नगर परिषद और नगर पंचायत के मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद के आरक्षण का निर्धारण कर दिया गया है। बड़ी खबर, बिहार के 4 लाख छात्राओं के लिए खुशखबरी, अक्टूबर के अंत तक खाते में आएंगे 25,000 रुपये। जी हाँ, इंटर पास छात्राओं के लिए खुशखबरी है। उन्हें मिलने वाले प्रोत्साहन राशि यानी कि 25,000 रुपये अक्टूबर के अंत तक उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 2022 में आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस संकाय में कुल 5,25,877 छात्राएं सफल हुई है। मुख्यमंत्री कन्या प्रोत्साहन योजना के तहत इंटरमीडिएट पास ऐसे छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दी जाती है जिनकी शादी नहीं हुई हो। इस साल करीब 4 लाख से ज्यादा छात्राओं को यह राशि दी जाएगी। खबर देखिए, बिहार के गया में अक्टूबर तक शुरू होगी डोंगेश्वरी और ब्रह्मयोनी पहाड़ी रोपवे का काम, एजेंसी की खोज हुई शुरू। जी हां, गया के डोंगेश्वरी और ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर 22 करोड़ रुपए से रोपवे का निर्माण जल्द शुरू होगा। रोपवे निर्माण के लिए एजेंसी की खोज शुरू हो गई है। डोंगेश्वरी रोपवे की अनुमति लागत 14.87 करोड़ रुपये, जबकि ब्रह्मयोनी रोपवे की अनुमानित लागत 7.54 करोड़ रुपये आकी गई है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने टेंडर निकालकर एजेंसियों से दोनों रोपवे के डिजाइन, आपूर्ति, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और संचालन से जुड़े काम के लिए निविदा आमंत्रित की है। इसके लिए 22 सितंबर की अंतिम तारीख तय की गई है। इसी दिन तकनीकी निविदा खोली जाएगी। पर्यटन विभाग के वरीय अधिकारियों के अनुसार अक्टूबर तक डोंगेश्वरी और ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर बनने वाले रोपवे का काम शुरू हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।